जहाँ तक किसी के फजायल फवैद का ताल्लुक है इसका एक फ़ायदा यह है कि अगर कोई औरत तो बा है बांझ मतलब डॉक्टरों ने कह दिया औलाद नहीं हो सकती आपको तो कोई ऐसी कम कम्प्लिकेशन्स दें तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर तासीर है कि वो और ख़ुद ही अमल करे या कुछ दूसरा करे वो ये कि सात रोज़े रखे मतलब तो ख़ातून सात रोज़े रखे और रोज़ाना इफ़ार जो है वो पानी से इफ़ार करे और इफ़ार करने के बाद जब वो इक्कीस मरतबा इक्कीस मरतबा ये इसका विरद करे या मशविरु या मशविरु इक्कीस मरतबा विरद करके अपने आप पर दम कर ले एक तरीका ये दूसरा तरीका ये है कि वो सात रोज़े रखे या कोई दूसरा आदमी आमिल है वो सात रोज़े रखे और रोज़ाना जो है वो इफ्तार से पहले थोड़े से पानी के ऊपर इक्कीस मरतबा या मुशवर पढ़ के दम कर दे और वह पानी उस बाँ जोत को दे दे वह पानी पी लें तो सात दिन का ये प्रोसेस है बहुत ज़बरदस्त तासीर है अल्लाह तबारक वार उसका बांझपन ख़त्म कर देते हैं और वो साहिब औलाद हो जाएगी सुबह जो भी कम्प्लिकेशन अंदर है तबीयी तौर तो पर वो भी फ़िक्स हो जाएंगे और अल्लाह उसको जो औलाद से माला माल करते हैं और दूसरा फायदा यह कि अगर किसी की औलाद हो नहीं रही या वो चाहता है कि वो बेटा पैदा हो उसके लिए है कि अपनी बीवी के पास जाने से पहले सात मरतबा इसका विर्द कर ले या मुशविर या मुशविर का विर्द करे फिर जो उसके पास जाए तो अल्लाह तबारक व तारा हमल अता करते हैं और बेटा अता करते हैं इसका दूसरा फायदा और तीसरा एक बड़ा ज़बरदस्त फायदा इसका यह कि इससे यह है कि अगर कोई शख्स चाहता है कि लोग मेरे दोस्त बने मैं लोगों को दोस्त बनूँ या ऑफिस जाता हूँ ऑफिस के अंदर जो है वो दोस्ताना माहौल हो सब मुझसे मोहब्बत करें मैं सबसे करूँ तो ये अगर चाहता है तो वो जब भी वजू करे नमाज़ का वजू करने के बाद जब फार हो तो अपनी शहादत की उंगली से अपने माते पे अल अलमुवरु लिखे अच्छा हाँ अलमशविरु उंगली से माथे के ऊपर लिखे बस ये कर लिया करें इंशाल्लाह जहाँ भी जाएगा वो इसके दोस्त बन जाएंगे इसमें ज़बरदस्त तासीर है और एक इसका फ़ायदा ये है कि काम आसान हो जाते हैं अगर किसी के काम मुश्किल हैं अटक रहे हैं काम होते नहीं हैं या कोई शख्स काम करता है बल्कि मुकम्मल होने लगता है काम ख़राब हो जाता है परेशान रहता तो उसके लिए ये ये शख्स जो या तो अपने नाम के अदद के अतबार से पढ़े जितने उसके नाम के अदद बनते हैं उसका तरीका हम बता चुके हैं और या ये कि खुद इसके अदद तीन सौ छत्तीस हैं तो तीन सौ छत्तीस मरतबा रोजाना किसी एक नमाज के बाद और फिर रोज़ाना फिर उसी नमाज की बाद ही पढ़े तो तीन सौ छत्तीस दफ़ा पढ़े अव्वल के ग्यारह मरतबुल्दी इब्राहिमी और ये सेवनटी वन डेज़ की नीयत से शुरू कर ले इनशाला उसके काम कभी ख़राब नहीं होंगे और जो काम शुरू करेगा वो पाए तक मील तक पहुँचेगा इसका फ़ायदा और एक फ़ायदा ये कि एक शख्स चाहता है कि मेरे मेरी जॉब के अंदर प्रमोशन हो मुशे माहौल में मेरी इज्जत हो लोग इज्जत की निगाह से देखें मरतबा मेरा बढ़े तो यह जो चाहता है उसके लिए इसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त तासर है कि उसमें भी ये जो है या मसविर हो जब भी पानी पिए जब भी पानी पिए तो बारह मरतबा या मशव पढ़ के उसके ऊपर दम करके पिया करें अच्छा बस तो अल्लाह तबारक वाल आटोमेटिकली ऐसे अहवाल पैदा करते रहेंगे कि ये अपने माहौल मुआशे में मज़दूत होता जाएगा ख़ास तौर पर जिस माहौल में किसी जॉब में उसको इज्जत मिलेगी उसके बॉस विज्जत से देखेंगे छोटे वजह से देखेंगे इसकी इज्जत में, में इजाफा होगा कि हर पीने की चीज़ पर पानी हो या कोई भी पीने की चीज़ उस पर बारह मरतबा या मशव दम किया करे इससे जो उसके इज़्त मरतबे में इजाफा होता जाएगा ये इसके फ़ायद और जहाँ तक इसके ख़्वाब ताबीर का ताल्लुक है तो ख्वाब में अगर ये लिखा हुआ देखा या खुद पढ़ा या सुना इसका मतलब है कि अल्लाह तबारक व ताला इसकी ज़िंदगी को आसान कर देंगे ज़िंदगी इसकी मुश्किल का अगर शिकार है या इसकी कुछ चाहतें जो पूरी नहीं हो पा रही तो वो दिल मुरादें पूरी हो जाएंगी और ज़िंदगी इसकी आसान हो जाएगी एक इसका मतलब ये और दूसरा मतलब ये कि अगर ख़्वाब में इसके ने देखा और सुना इसका मतलब है कि अल्लाह तबारक तआला जो है इसके कामों में ऐसी खूबसूरती पैदा करेंगे जो भी काम करेंगे वो इतना खूबसूरत होगा कि हर तरफ से लोग उस काम की तारीफ भी करेंगे और ये शख्स जो है लोगों का हर दिल हर दिल अजीज़ बन जाएगा ये इसके अंदर ये फ़ायदा है तो ये जो गो है कि बशारत है तो ख़्वाब के अंदर और इसके ये अजीब फ़वाइद हैं हज़रत बहुत खूब आपने आज एक चीज़ ऐसी बताई जो कि हर दिल अजीज होने का फार्मूला बता दिया आपने और बड़ा आसान फार्मूला बिल्कुल आसान और ये ख्वाहिश है लोगों की चाहे वो अपने दिल से जबान से ये बात कहें या ना कहें लेकिन हर एक की ये ख्वाहिश है कि उसको की पजीराई हो तो ये ये। दफ्तर के अंदर और तो जहाँ वो काम करता हो अपने बॉसेस के दरमियान या अपनी फैमिली या दोस्तों के दरमियान तो ये तो ख्वाहिश है आम ख्वाहिशरी फित्री ख्वाहिश है बिल्कु और और आपने इसका हल दे दिया और 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 फिर बड़ी बात आपने की वो बच्चों वाली पैदाइश की बात की वो तो वो भी बहुत लोगों की जरूरत है और ये आप कई दफ़ा बता चुके हैं लेकिन इस दफा आपने नई चीज बताई है तो जिसको उन चीज़ों से फायदा नहीं है वो ये करें सुबह बहुत 在呀。<noise> <noise>